सेबी हेल्पलाइन नंबर 0221-61-69-66, वेबसाइट फॉर रिफंड एप्लीकेशन www.sebipulserefund.com/in। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2020 में जो सेबी की तरफ से अब तक की नोटिफिकेशन आई है, वो सारी नोटिफिकेशन इस वक्त आपके सामने लेकर आए हैं और आपके लिए स्पेशल सेबी हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप अपनी रिफंड प्रक्रिया में कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत आपको आ रही है या किसी भी तरह की आपको सवाल करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि केवल आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर जियो के सिम से फ़ोन ना लगाएं, क्योंकि उससे यहाँ पर फ़ोन नहीं लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। आप इसके अलावा किसी भी सिम कार्ड से आप बात कर सकते हैं, आपका नंबर लगेगा और आपकी बात पूरी होगी, क्योंकि ये अक्सर निवेशकों के सामने परेशानियां आ रही हैं कि हमारा नंबर नहीं लग पा रहा। इसकी वजह यही है कि आपका जो फ्री सिम जियो सिम है उससे ये नंबर नहीं लग पाएगा। यही वजह है जो आप लोगों का नंबर नहीं लगता और हम लोग इन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जो हम इस वक्त न्यूज़ दे रहे थे वो ये दे रहे थे कि 2020 में जो आपके लिए सेबी की तरफ से अपडेट आई हैं वो ओरिजिनल बिल्कुल जैनमैन जो अपडेट आई हैं वो ये हैं कि अगर फॉर्म में कोई गलती कर रखी है तो उसे ठीक करने का 31 जुलाई 2020 तक का यहाँ टाइम दिया गया है दोस्तों। और अगली जो अपडेट दी गई थी वो ऑल नॉन इन्वेस्टर कैन चेक रिफंड स्टेटस एंड क्लियर द मिस्टेक इन्फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ भी गलती सुधारने के लिए बताया जा रहा है। और आगे जो यहाँ पर तीसरे कॉलम में दिया गया है सेबी का, ये 2423 करोड़ फाइन ऑन पल्स डायरेक्टर बाय सेबी। जी हाँ दोस्तों, सेबी विभाग ने सन 2000 में एक और नया फरमान डायरेक्टरों के ऊपर लगाया, यानी कि डायरेक्टर के ऊपर ये एक जुर्माना बिठाया गया, फाइन बिठाया गया है 2423 करोड़ रुपए इन डायरेक्टरों को सेवा विभाग को देने पड़ेंगे। और अगला जो यहाँ पर कॉलम में दी गई है सूचना, जी हाँ दोस्तों, ये 2020 की जो अब तक की सेवा विभाग से अपडेट आई हैं ये उनकी जानकारी आपको दी जा रही है। अगली जानकारी, मोहाली में पर्ल सिटी विकसित करें और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया। जी हाँ दोस्तों, ये मोहाली में PSL की जो एक कॉलोनी है, मोहाली एक छोटा सा शहर जो बसाया है गरीब निवेशकों को पैसे से, तो दोस्तों उसके बारे में यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि जो वहाँ पर टूट फूट है वो सारी वहाँ दुरुस्त करें, क्योंकि वहाँ पर लगभग एक तिहाई लोग अपनी कॉलोनियों में रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहाली में रह रहे हैं जो लोग, उनके सामने कुछ परेशानियां आ रही हैं जब से ये पल्स का मैटर से विभाग ने गलत नीतियों के कारण इसको बंद किया, तब से यहाँ के मोहाली जो सिटी है उस सिटी में परेशानियां चल रही हैं। उसके लिए पंजाब सरकार ने इस सरकार को आदेश दिया है, क्योंकि वहाँ के जो बाशिंदा लोग थे उन्होंने इस बात का सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाली थी कि हम लोगों को इस मोहाली पर्स की जो सोसाइटी बनी हुई है इसमें बहुत परेशानियां जो हैं वो कोई सही करने का नाम नहीं ले रहा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है उन्हें, और उस मोहाली पर्ल सिटी की जो टूट फूट है वो सही करेगी पंजाब सरकार। आगे यहाँ सेबी में 5,000 रुपये तक का पल्स रिफंड ट्रांसफ़र किया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि सेबी ने अभी तक 5,000 रुपये का ही ट्रांसफ़र किया है, ना कि 50,000 या 1,00,000 वालों का ट्रांसफ़र किया है। ऐसी कोई
भी सूचना यहाँ पर हमारे सामने दूर दूर तक नहीं दिखती कि यहाँ पर 1 लाख या 50,000 वालों का कोई रिफंड चालू कर दिया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ हमारे चैनल वाले साथी 50 और 1 लाख की जी हाँ दोस्तों रिफ़ंड होने की एक झूठी अफवाह फैलाते हैं और उल्टी सीधी वेबसाइटें बनाकर जो कि आसानी से बन जाती है उस पर 1 लाख और 2 लाख के रिफ़ंड तक दिखाने लगे हैं और जो हमारे गरीब निवेशक हैं उन लोगों को इन चतुराइयों का पता नहीं होता तो उनको लाइक और शेयर भी खूब अच्छी तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हकीकत 2020 की जो है वो बिल्कुल जैनमैन न्यूज़ आपके सामने है, जिसमें अब तक की जो हमारे पास सूचना है सेवी विभाग की इससे आगे कुछ नहीं है। यही 3-4 इस वक्त सेवी विभाग की तरफ से हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी जो अब तक हम लेकर आए। यहाँ पर कहीं से कहीं तक 5,000 से ज़्यादा वालों का कोई रिफ़ंड प्रोसीजर चलाने का जिक्र तक नहीं है। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास।